नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ईद के पावन मौके पर दिल्ली बांग्लादेश की राजधानी ढाका शौलाकिया ईदगाह में नमाज के दौरान आतंकियों ने पुलिस टीम को बनाया निशाना। हमले में दो कांस्टेबल की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर। चार अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में मोजाम्बिक पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति फिलिप न्यूसे से करेंगे मुलाकात। इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक पर शिकंजा कसना शुरू, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पीसीवी के खंगाले का वीडियो। ढाका हमले में आतंकियों ने खुद को बताया था नाइक का कथित अनुयायी। जाकिर नाइक और दिग्विजय सिंह का वीडियो आया सामने, 2012 के वीडियो में दिग्विजय ने जाकिर को बताया था शांति दूत। मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विवादित ट्विटर अकाउंट को फर्जी बताते हुए पुलिस से की शिकायत। कांग्रेस ने अनुप्रिया पर माहौल खराब करने का लगाया था आरोप। गायक मीका सिंह के समर्थन में उतरी राखी सावंत, मॉडल के आरोपों पर मीका को बताया निर्दोष। यूरो कप के फाइनल में पहुंचा पुर्तगाल, वेल्स को 2-0 से हराया, रोनाल्डो रहे मैच के हीरो। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां आज पूरे देश में ईद का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, दिल्ली से लेकर चेन्नई, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर ईद की रौनक देखी जा रही है, तो वहीं इंसानियत के दुश्मनों को ये खुशी रास नहीं आ रही। बांग्लादेश में आज ईद के पावन मौके पर आतंकियों ने बम धमाके किए। ढाका से 80 किलोमीटर दूर किशोरगंज में शौलाकिया ईदगाह मैदान को निशाना बनाया गया, जहां सबसे बड़ी ईद की नमाज अदा की जा रही थी। इन धमाकों में दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। यहाँ ईद के मौके पर 3 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने नमाज अदा कर रहे लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। ढाका हमले के 6 दिन बाद ये बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनुल हक इनू ने इसे राजनीतिक हमला बताया है। बताया जा रहा है कि मौलाना फरीदुद्दीन मसूद टारगेट पर थे। शौलाकिया मस्जिद के इमाम मौलाना मसूद ने बांग्लादेश में हो रहे आतंकी हमलों को इस्लाम के खिलाफ बताया था। बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो है पीएम मोदी के मिशन अफ्रीका से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के पहले पड़ाव मोजाम्बिक में हैं। मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो में पहुंचने पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। यहां वो राष्ट्रपति फिलिप न्यूसे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वेरोनिका मकामो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम एसएनटी पार्क में छात्रों से भी मुखातिब होंगे, साथ ही साथ भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद पीएम दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि 4 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया और केन्या भी जाएंगे। रुक करते अगली खबर का। इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजनीतिक दबाव के बाद अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जाकिर नाइक के पीस टीवी के फुटेज खंगालने का फैसला लिया है। अब नाइक के 90 दिन के फुटेज देखे जाएंगे। दूसरी तरफ ढाका हमले के बाद बांग्लादेश में भी नाइक की भूमिका को लेकर जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ढाका हमले के आतंकी जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित बताए जा रहे थे। हमले के एक आतंकी ने तो नाइक का एक वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। वहीं विवादित बयानों को लेकर घिरे नाइक ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सभी मुस्लिमों को आतंकवादी बन जाना चाहिए। अपने भाषणों में ओसामा बिन लादेन का समर्थन करने के बाद लोगों की आलोचना का सामना कर रहे नाइक ने यह भी कहा कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं भारत में जाकिर नाइक पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। इस मामले में शिवसेना और आरएसएस ने कहा है कि सरकार को नाइक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार से पूछा है कि वो अब तक इस मामले पर चुप क्यों हैं? बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक के मुद्दे पर जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी जाकिर नाइक के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनकी जमकर तारीफ की थी। ये वीडियो 2012 का है। इस दौरान दिग्विजय ने जाकिर को शांति दूत बताया था। वह इस मामले पर अब दिग्विजय की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मैंने वहां कोई गलत बात नहीं की थी। वैसे भी इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। अब बात मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री अनुप्रिया पटेल की, जो विवादों में घिर गई हैं। दरअसल अनुप्रिया ने अपने नाम से चल रहे फर्जी ट्विटर अकाउंट को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है।
इस ट्वीट में एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया है जो बाद में वायरल होने लगा। अनुप्रिया ने शिकायत में कहा कि मेरे नाम पर कई फर्जी ट्विटर खाते हैं और मैं आपके संज्ञान में ये बात ला रही हूं कि भविष्य में इनका इस्तेमाल मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए किया जा सकता है। शिकायत में लिखा गया है कि मेरा आधिकारिक ट्विटर हैंडल @अनुप्रिया_पटेल है। @अनुप्रिया_पटेल नाम वाले हैंडल से एक अपमानजनक ट्वीट किया गया है। शिकायत के साथ उसकी तस्वीर भी भेजी गई है। कृपया इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराएं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले को उठाते हुए अनुप्रिया पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। बात करते हैं अगली खबर की। एक जमाने में गायक मीका सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली राखी सावंत अब मीका के समर्थन में आ गई है। मॉडल से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे मीका को राखी ने निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। हालांकि पुलिस ने अब तक मीका से आरोपों पर पूछताछ नहीं की है। राखी सावंत ने इस मामले में मीका का बचाव करते हुए कहा कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे, इस बार मीका इनोसेंट है। राखी ने कहा कि मीका ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्हें जेल जाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें फैशन डिजाइनर खिड़की से मीका के घर में दाखिल हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई की फैशन डिजाइनर ने मीका सिंह पर बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और इस मामले में वर्सोवा थाने में मीका के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है। और अब बात यूरो कप की, जहां पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यूरो कप की रेस से वेल्स को बाहर कर दिया है और खुद फाइनल में जगह बना ली है। पुर्तगाल ने वेल्स को 2-0 से मात दी। पहले हाफ में मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन दूसरे हाफ में पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के 50वें मिनट में शानदार गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके साथ ही रोनाल्डो ने यूरो कप में सबसे अधिक 9 गोल करने की माइकल प्लातिनी के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। वहीं इस हार के साथ ही वेल्स का 50 बरस में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।